Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very warm welcome, the dear students of class 4. I hope you all are fine and safe at your home. My dear students, as you know that we have completed the syllabus of the final term and also start the revision, the learning of the literature work. Okay, so this is your English literature unit, and my dear student, please take out your English literature copies. Okay, in the previous lecture we have started the learning of the stories and the spirit, and I hope all my students of class 4 have learned the question number 1 and also did the practice of question number 1 in the rough copy. So my dear student, in today's lecture, inshallah, we will definitely try to learn the question number 2, 3 and question number 5 as well. Okay, so be with me and open the literature copy. So all the students have taken out the literature copy and open it. Okay, very good. Now what is the question number 2? Here we have the question number 2. Why was the spirit in the bag was unhappy? ठीक है, यानी कि जो बैग था उसमें जितनी भी स्पिरिट्स थी, जो रूहें थीं, वो खुश क्यों नहीं थी? सो एनी वन कैन टेल मी, कोई मुझे बता सकता है? येस, वेरी गुड. तो स्पिरिट्स खुश क्यों नहीं थी, हम आंसर में देख लेते हैं. द गुड स्पिरिट्स आर अनहैप्पी वर अनहैप्पी बिकॉज दे वर स्क्वैश्ड विद द बैड स्पिरिट्स. The boy kept all the spirits by only listening to them and not telling to the others. ठीक है, तो वो जो है मसला ये हो रहा था कि वो बच्चा जो था, वो जो लड़का है, मास्टर जो था, यंग मास्टर, वो इस स्टोरीज़ को सुन तो लेता था और बैग में अच्छी और बुरी दोनों स्पिरिट्स थी, और वो किसी और को जो है बताता नहीं था, जिसकी वजह से स्पिरिट्स में आपस में जो है लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, आपस में उनकी टकरार शुरू हो गई थी. ठीक है, सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग इसको याद करें, एंड आफ्टर लर्निंग यू मस्ट हैव टू राइट डाउन इट इन द रफ कॉपी. ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 3? अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है. द क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट डिड द स्टोरी स्पिरिट्स प्लान टू डू. ठीक है, यानी कि स्टोरी स्पिरिट्स ने फिर क्या सोचा और उन्होंने ऐसा क्या प्लान बनाया करने का, क्या ठानी उन्होंने. द स्पिरिट्स प्लान टू गेट रिड ऑफ द मैन हु हैड इम्प्रिजन्ड देम फॉर सो लॉन्ग. ठीक है, यानी कि सारी रूहों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि अब हमें इस बच्चे से छुटकारा पाना चाहिए जिसने हमें एक ज़माने से कैद किया हुआ है. इम्प्रिजन्ड का मतलब होता है कैद करना. ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आपने इसको याद करके लाजमी लिख लेना है. अच्छा माय डियर स्टूडेंट, हेयर आफ्टर द क्वेश्चन नंबर 3 वी आर गोइंग टू लर्न क्वेश्चन नंबर 5. अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 की लर्निंग नहीं करवाई, इसलिए क्योंकि वो ज़रा लेंदी क्वेश्चन है और वो मैं आपको बाद में अलग से करवाऊंगी. अभी हम सारे छोटे क्वेश्चंस को जो है एक साथ लर्न कर रहे हैं. ओके, सो आफ्टर दैट प्लीज़ ओपन द पेज एंड लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5. हेयर इज़ द क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव, व्हाट लेसन डिड द यंग मैन लर्न. ठीक है, यानी कि वो जो बच्चा था उसने अपनी जो है ज़िंदगी से क्या सबक सीखा. द यंग मैन लर्न टू टेल द स्टोरीज़ टू अदर. यंग मैन ने इस चीज़ को जो है अंदाज़ा लगाया और समझा कि वो जो कहानियाँ सुनता है या वो सुनता रहा है या सुनेगा, वो आगे भी उन कहानियों को सुनाएगा. ठीक है, जो कि अच्छी बात भी है कि अगर आप किसी से कोई चीज़ सुनते हैं तो उसको आगे भी पास ऑन करें. ठीक है, और स्पिरिट्स को कैद करके ना रखें. उसने अपने जो है लाइफ से एक बेहतरीन सबक ही सीखा था. एंड डिड नॉट ऑफन टू द स्टोरी स्पिरिट्स. ठीक है, यानी कि वो स्टोरी स्पिरिट्स को कैद नहीं करेगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज अ लेक्चर फॉर टुडे एंड आई होप यू विल एंजॉय इट. डू द लर्निंग बाय हार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 5. These questions are very easy. After learning it, you must have to practice it in writing in the English test copy, or you have a practice copy, so you must do it. Okay,
I hope you will follow the instruction. Inshallah, we will meet soon again with a new topic. Till then, take care. Allah Hafiz.